प्रिय छात्रों, आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। मैं गोपाल शुक्ला, अध्यापक हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़। आज आपको बहुपद कक्षा 10 का जो चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्न हल कराऊंगा। आप इन्हें समझिए और इस पे आधारित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं, जिससे कि आप उन प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा में हल कर पाएंगे। तो जब आप इस वीडियो को ठीक से देखेंगे और समझेंगे तो इन प्रश्नों को आप स्वतः ही हल कर पाओगे। तो चलिए पहला प्रश्न जो है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित दोघात बहुपदों के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, बहुपदों शून्यकों का योग, क्या सूत्र होता था इसका? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था इसको याद करने का जो एक सूत्र बताया था वो क्या बताया था? माइनस के बी अपॉन ए यानी बड़ी आंटी और सी अपॉन ए यानी छोटी आंटी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए पहले का पहला सवाल हल करते हैं। एक्स का वर्ग माइनस के दो एक्स माइनस आठ। जब हम गुणनखंड करते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के, तो सबसे पहले हमें वो संख्या देखनी होती है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो 1 है और जो अचर पद होता है 8। तो 8 हो गए। अब 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 2 आ जाएं, तो 8 के वो गुणनखंड हो गए 4 गुणा 2। तो यानी कि हम 2 को किस में विभाजित कर सकते हैं? 4 माइनस 2 में। तो x का वर्ग माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। x आ गया कॉमन x माइनस 4, 2 आ गया कॉमन x माइनस 4, x माइनस 4 फिर आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा? x प्लस 2। और शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं। तो x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर 4। एक्स प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, एक्स बराबर माइनस 2। तो इसके दो शून्य क्या आ गए? 4 और माइनस 2। अब शून्यकों का योग, करके देखते हैं क्या आ रहा है। 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, उत्तर आ गया 2। अब हम क्या करके देखते हैं? माइनस के बी अपॉन ए यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहां पर ए का मान कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। तो ए का मान 1, बी का मान माइनस 2, सी का मान माइनस 8। तो माइनस के बी का मान, बी का मान माइनस 2 और ए का मान, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो ए का मान 1, उत्तर आ गया 2। तो हमने शून्यकों का योग निकाला तो भी 2 उत्तर आ रहा है, और इस संबंध से जब हमने उत्तर निकाला तो भी 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या सत्यापित हो गया कि शून्यकों का योग, बराबर माइनस के बी अपॉन ए। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बी की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहला वाला सवाल हमारा हो गया। हमने पहले शून्य निकाले और फिर शून्य का जो संबंध है वो हमने इससे क्या कर लिया? वेरीफाई कर लिया। ऐसे ही संबंध एक आता है शून्यकों का गुणनफल, वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये योग तो वेरीफाई कर दिया, आगे देखते हैं गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल
शून्य को का गुणनफल क्या होता है शॉर्ट में सी अपॉन ए। परीक्षा में तो आप यही लिखिएगा पूरा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, लेकिन अब फिलहाल रफ कॉपी पे जब भी सवाल करें जल्दी जल्दी में सी अपॉन ए भी लिख लें। तो सी अपॉन ए, तो सी का मान कितना है सवाल में -8 और ए का मान कितना है 1, तो उत्तर आ गया -8। ठीक है, और वैसे हमने शून्य को का गुणनफल निकाला क्योंकि हम तो शून्य निकाल भी चुके हैं, तो शून्य को का गुणनफल क्या आ गया, पहला शून्य 4 और दूसरा -2, तो 4 गुणा -2 उत्तर क्या आ गया -8। तो वैसे भी शून्य को का गुणनफल -8 आ रहा है और सूत्र से भी -8, इसका मतलब शून्य को का गुणनफल किसके बराबर हो गया सी अपॉन ए, वेरीफाई हो गया। और आप चाहें तो इसे पूरा लिख लें अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपका पहला सवाल हो गया, हमने पहले शून्य निकाले फिर वो हमने दो संबंध स्थापित कर लिए। अब चलिए अपने फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। -4s+1 आपका पहला पद भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है और अंतिम पद भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, यानी ये सूत्र बनना है कौन सा a² - 2ab + b² किसका सूत्र है ये a - b² का। तो ये तो हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, और जब 2ab करेंगे तो 2s का 1 में इंटू किया 2s और उसका 2 में इंटू किया तो 4s, इसका मतलब सही है सूत्र बनना है 2s - 1 का होल स्क्वायर, और इसके गुणनखंड क्या हो गए 2s - 1। तो पहला शून्य कैसे निकाला, 2s - 1 को जीरो किया तो s का मान 1/2, 2s - 1 को जीरो किया तो s का मान 1/2। अब शून्य को का योग कितना आ गया, शून्य को का योग 1/2 + 1/2 1, और शून्य को का गुणनफल एक बटे दो इंटू 1/2, उत्तर कितना आ गया 1/4। अब देखिएगा a का मान कितना होता है, जो लीडिंग टर्म होता है उसका जो कोफिशियंट होता है, यानी जो सबसे बड़ी घात वाला पद होता है ना उसका जो कोफिशियंट होता है यानी गुणांक होता है वो a होता है a 4, उससे आगे वाले पद का गुणांक b - 4 c 1, और हमारा संबंध क्या है शून्य को का योग -b/a, b का मान -4, a का मान 4, उत्तर आ गया 1। और आप देख रहे हैं शून्य को का योग पहले भी एक आया था, यानी हमारा संबंध स्थापित हो रहा है, और शून्य को का गुणनफल शून्य को का गुणनफल c/a, सी का मान 1, ए का मान 4, और ये भी 1/4 आ रहा है, इसका मतलब कि ये वाले संबंध फिर स्थापित हो गए, शून्य को का योग किसके बराबर आ गया -b/a के, अतः शून्य को का योग बराबर -b/a और शून्य को का गुणनफल बराबर c/a। अब क्योंकि ये भाषा बार बार लिखनी पड़ रही है तो मैं अब ये भाषा ऐसे ही बनाए रखूंगा, आगे के प्रश्नों में भी मिटाऊंगा नहीं और यहीं से ही फिर आगे के पार्ट का भी काम चला लूंगा। अब चलिए तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं हम।
ये भाषा नहीं बिठाता हूं, जिससे कि समय भी बचता है अपना। सिक्स एक्स का वर्ग माइनस तीन माइनस सात एक्स, सिक्स एक्स का वर्ग माइनस सात एक्स माइनस तीन। आपसे क्या बताया कि आप जो लीडिंग टर्म है उसका गुणांक छह और अचर पद तीन, अठारह हो गया, और अठारह को ऐसे आपको तोड़ना है कि सात आ जाए, तो नौ दुनी क्या होता है अठारह, तो छह दी अठारह और अठारह के टुकड़े ऐसे करने हैं सात आ जाए, तो नौ माइनस दो, तो छह एक्स का वर्ग सात को आपने लिख दिया नौ माइनस दो एक्स माइनस तीन, छह एक्स का वर्ग माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब यहां से आगे के दो पदों में से क्या कॉमन आ रहा है तीन एक्स, दो एक्स माइनस तीन, पीछे के दो पदों में से दो एक्स माइनस तीन, दो एक्स माइनस तीन फिर कॉमन आ गया और तीन एक्स प्लस वन बच गया। ठीक है, तो शून्य क्या हो जाएंगे टू एक्स माइनस तीन को जीरो करेंगे तो एक तो शून्य हो गया तीन बटे दो, और थ्री एक्स प्लस वन को जीरो करेंगे तो एक्स का मान आ गया माइनस के एक बटे तीन, तो ये आ गए आपके दो शून्य। अब देखते हैं शून्य को का योग, तीन बटे दो माइनस एक बटे तीन, एलसीएम कितना आ गया इसका छह, दो दिया छह तीन दिया नौ और तीन दुनी छह, यानी उत्तर आ गया सात बटे छह। ठीक है, और अब करते हैं गुणनफल, तो तीन बटे दो माइनस एक बटे तीन, तीन से तीन कट गया, उत्तर कितना आ गया माइनस एक बटे दो। अब चलिए संबंधों से भी देखते हैं कि हमारा उत्तर यही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। लीडिंग टर्म का जो कोफिशियंट है वो ए, तो ए का मान हो गया छह, यानी कि जो सबसे बड़ी घात का पद है उसका गुणांक ए, बी का मान माइनस सात, सी का मान माइनस तीन, तो बी की जगह आपने क्या लगा दिया माइनस सात, ए की जगह छह, उत्तर आ गया सात बटे छह, सी की जगह आपने क्या लगा दिया माइनस तीन, ए की जगह छह, उत्तर आ गया माइनस के एक बटे दो। देखिएगा जरा सात बटे छह माइनस एक बटे दो, यानी शून्यंकों का योग करके देखा तो भी सात बटे छह, माइनस बी अपॉन ए से निकाला तो भी सात बटे छह, शून्यंकों का गुणनफल करके देखा तो भी माइनस एक बटे दो, और सूत्र सी अपॉन ए से निकाला तो भी माइनस एक बटे दो। अतः ये जो आपके संबंध हैं ये दोनों संबंध क्या हो गए सत्यापित हो गए, तो ये आपका तीसरा पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ, पहले के फर्स्ट का फोर्थ। तो यानी पहले आप शून्य निकाल लीजिए, और शून्य निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा गुणनखंड, उसके बाद फिर आप उनका जोड़ मैनुअली भी निकालिए, गुणनफल मैनुअली भी निकालिए, सूत्र से भी निकालिए, और आपको सत्यापित क्या करना है जो मैनुअली और सूत्र से है वो दोनों मान सेम आ रहे हैं। अब चौथे की तरफ देखते हैं, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, चार यू कॉमन आ गया, क्या बचा यू प्लस टू, पहले वाले गुणनखंड को जीरो किया एक बार, दूसरे गुणनखंड को जीरो किया, यहां से u का मान क्या आ गया माइनस दो, तो u बराबर जीरो, या शून्य निकालने के लिए पहले वाले गुणनखंड को जीरो के बराबर रखते हैं दूसरे, तो यानी शून्य क्या आ गया एक तो जीरो आ गया एक माइनस दो। अब निकालते हैं शून्य को का u, तो एक तो आ गया जीरो, एक आ गया माइनस दो, तो प्लस माइनस माइनस होता माइनस दो आ गया, गुणनफल निकालेंगे तो जीरो माइनस दो, उत्तर आ जाएगा जीरो। अब चलिए सूत्र की मदद से निकालते हैं, देखिए जो दो घात का गुणांक होता है वो होता है ए, जो एक घात वाले पद का गुणांक होता है वो होता है बी, और सी कितना होता है अचर पद जो कि है ही नहीं जीरो, तो b का मान आठ और a का मान चार, तो शून्य को का योग हो गया माइनस दो, सी का मान जीरो और a का मान चार, ये हो गया जीरो।
शून्य का होगा योग हमने मैनुअली निकाला तो भी माइनस दो, सूत्र से निकाला तो भी माइनस दो, शून्य का गुणनफल हमने मैनुअली निकाला तो भी जीरो और अगर सूत्र से निकाला तो भी जीरो। इसका मतलब हमारे संबंध जो है वो फिर स्थापित हो रहे हैं, यानी ये संबंध बिल्कुल सही है और ये संबंध हर सवाल में सत्यापित होंगे। अब चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर 15 को लिख लिया अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, और एक आप आइडेंटिटी जानते हैं कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और बच्चों प्यारे अगर ये आइडेंटिटी कभी भूल जाओ तो कैसे याद रखना, अगर दो संख्याओं के सर पर दो दो बाल और बीच में माइनस की दीवार, तो एक घर में उन्हें जोड़ दो और एक घर में उन्हें घटा दीजिए। फिर समझ लीजिए, अगर दो संख्याओं के सर पर दो दो बार और बीच में माइनस की दीवार, तो एक घर में उन्हें जोड़ दीजिए, दूसरे घर में उन्हें घटा दीजिए। तो अब एक घर में हम इन्हें जोड़ देंगे और एक घर में हम इन्हें घटा देंगे। तो जब इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो पहला शून्य क्या आ गया, अंडर रूट माइनस 15, और इसको जीरो रखेंगे तो दूसरा शून्य कितना आ गया, अंडर रूट 15। अब चलिए शून्य को का योग निकालते हैं क्या आ रहा है। शून्य को का योग, पहला शून्य अंडर रूट माइनस 15, दूसरा अंडर रूट प्लस 15, जीरो आ गया। अब गुणनफल देखते हैं, माइनस के अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 यानी माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं बच्चों कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हट जाते हैं और संख्या ही उत्तर आती है। तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएंगे, उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस के 15। अब चलिए ये वेरीफाई करते हैं कि संबंध हमारे क्या कह रहे हैं। ए का मान क्या हो गया, जो सेकंड डिग्री का गुणांक होता है वो ए होता है 1, फर्स्ट डिग्री का टर्म दिख नहीं रहा तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0, और सी का मान हो गया माइनस 15। तो B की जगह आपने लगा दिया 0, A की जगह 1, उत्तर आ गया 0, C की जगह माइनस 15, A की जगह 1, उत्तर आ गया माइनस 15। देखिएगा जब मैनुअली हमने शून्य का योग निकाला तो उत्तर 0 आया, और जब हमने सूत्र का उपयोग करके योग निकाला तो भी 0, जब हमने शून्य का गुणनफल निकाला तो भी माइनस 15, और जब हमने शून्य का जो है वो गुणनफल सूत्र से निकाला तो भी माइनस 15। इसका मतलब क्या हो गया कि जो संबंध है हमारे वो फिर क्या हो गए, सत्यापित हो गए। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट जो कि इसका सिक्स्थ पार्ट है उसकी तरफ, जो क्या है, 3x² - x - 4। चलिए 4 × 3 = 12, क्योंकि जो दो घात वाला पद है उसका गुणांक और अचर का गुणांक उसी का दोगुना करते हैं तो 12 आ गया, और 12 को गुणनखंड कितने हो गए, 4 × 12, यानी बीच वाले पद को हम कैसे स्प्लिट कर देंगे, 4 − 3x − 4। तो 3x² - 4x + 3x - 4, आगे x कॉमन आ गया 3x - 4, पीछे से 1 कॉमन आ गया 3x - 4, 3x - 4 कॉमन आ गया, बचा क्या, x + 1। अब पहले 3x - 4 को जीरो किया तो x की वैल्यू आ गई 4/3, तो ये तो आ गया पहला शून्य। अब x + 1 को जीरो किया तो x का मान आ गया -1, ये आ गया दूसरा शून्य। अब हम क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे मैन्युअली और गुणनफल निकालेंगे, और इसके बाद फिर आपका सूत्र जो है उसको सत्यापित करेंगे, -k b/a। चलिए योग निकालते हैं, पहला शून्य है 4/3, दूसरा -1, एलसीएम कितना आ रहा है 4/1, और इसका ये आ गया 3, 3 × 3, 1 × 4 में गुणा करेंगे 4, 1 × 3 में भाग लगाएंगे 3, 3 × 1 में गुणा करेंगे 3, तो उत्तर कितना आ गया, 1/3। अब गुणनफल करके देखते हैं, 4/3 × -1, उत्तर क्या आ गया, -k 4/3।
अब a का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, हमेशा याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ही a होता है और x का गुणांक b होता है, कोई संख्या नहीं लिख रही तो वन होगी, लेकिन चिन्ह के साथ लीजिएगा, चिन्ह माइनस है तो b का मान माइनस एक और अचर पद होता है c और अचर पद कितना है माइनस चार। अब b की जगह आपने क्या लगा दिया, b की जगह लगा दिया माइनस एक और a की जगह थ्री, माइनस माइनस प्लस, उत्तर क्या आ गया एक बटे तीन, और c की जगह आपने लगा दिया माइनस चार और a की जगह लगा दिया तीन, तो उत्तर क्या आ गया माइनस के चार बटे तीन। जब हमने मैनुअली योग निकाला तो एक बटे तीन आया, सूत्र से निकाला तो एक बटे तीन, जब हमने मैनुअली गुणनफल निकाला तो माइनस चार बटे तीन और सूत्र से निकाला तो माइनस चार बटे तीन, यानी ये दोनों संबंध फिर हमारे सत्यापित हो गए। तो यानी कि पहले आपको शून्य अंक निकालने हैं गुणनखंड करके, फिर उनको मैनुअली योग और गुणनफल निकालना है, फिर सूत्र का उपयोग करके निकालना है और ये दिखाना है कि जो सूत्र से प्रयोग करके निकला है और जो आपने निकाला है वो दोनों उत्तर एक ही है या नहीं है, और दोस्तों या प्यारे बच्चों वो उत्तर एक ही निकलेंगे हमेशा। चलिए विद्यार्थियों अब अपने दूसरे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा सवाल है प्रश्नावली 2.2 का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, इसके भी छह पार्ट हैं, एक एक करके हम सारे करेंगे। ये शून्यकों का योग का संबंध तो हमें पता ही है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मैंने याद करने का तरीका आपको बता रखा है बढ़िया आंटी, माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और याद करने का फॉर्मूला बता रखा है आपको छोटी आंटी। और जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी लाइन से एबीसी तो हमें लिखनी है, और क्योंकि द्विघात है तो सबसे पहले एक्स की द्विघात, फिर x की एक घात और फिर x हो गई नहीं, तो इस तरह से आप इसका व्यापक पद व्यापक रूप याद रख सकते हैं। अब चलिए पहला सवाल, हमें एक बटे चार क्या दे रखा है, शून्यकों का योग जो कि किसके बराबर होता है माइनस के b अपॉन a, और हमें c अपॉन a किसके बराबर दे रखा है माइनस एक के, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो अपना बहुपद निकालना है। चलिए अब देखिए एक मिनट, a का मान यहाँ चार आ रहा है यहाँ पर, अच्छा a ही बहुपद हमें निकालना है, यहाँ a का मान चार आ रहा है, यहाँ a का मान एक है, तो चार करने के लिए आपने चार का गुणा कर दिया ऊपर और चार का गुणा कर दिया नीचे, तो उत्तर कितना आ गया माइनस के चार बटे चार। अब a का मान चार यहां से भी दिख रहा है, यहां से भी दिख रहा है, तो a तो चार हो गया, ऊपर माइनस बी के सामने क्या दिख रहा है एक, तो माइनस बी का मान एक, और सी के सामने क्या दिख रहा है माइनस चार, तो सी का मान माइनस चार, तो ए का मान चार, माइनस साइन लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दिया माइनस ए, सी का मान माइनस चार, तो क्या हो गया आपका द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह चार, बी की जगह माइनस एक और सी की जगह माइनस चार, और एक अगर किसी का गुणांक है तो बच्चों लिखते नहीं है उसको, तो उत्तर आ गया ये। तो ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया, चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार जो है वो बहुपद हो गया जिसके शून्यकों का जोड़ कितना है एक बटे चार और गुणनफल क्या है माइनस के एक। अब चलिए अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम, दूसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है, सेकंड वाले में जोड़ यानी माइनस बी बटे ए दे रखा है अंडर रूट टू और गुणनफल सी अपॉन ए एक बटे तीन। अब यहां से तो ए का मान एक दिख रहा है और यहां से ए का मान तीन दिख रहा है और हमें करना है ए का मान एक जैसा, तो हमने यहां तीन का ऊपर नीचे क्या कर दिया गुणा, तो माइनस के बी अपॉन ए अंडर रूट थ्री अंडर रूट टू अपॉन थ्री और सी अपॉन ए, तो उधर है ये थ्री, तो ए के सामने थ्री, ए के सामने थ्री, तो ए का मान हमने क्या बना लिया थ्री। आप बच्चों ध्यान दो यहां पर कि अगर हर एक जैसे नहीं है, अगर दोनों संबंधों के तो गुणा करके ऊपर नीचे किसी संबंध में उन्हें एक जैसा बना लो, क्योंकि एनसीईआरटी का जो प्रश्न है उसमें आपको एक ही बहुपद निकालना है और एक बहुपद निकालने के लिए ऐसा कर लेना ही बेहतर है और उससे आप प्रश्न आसानी से हल
कर लोगे। तो ए का मान 3 दिख रहा है इस संबंध में भी, इसमें भी। अब माइनस बी के सामने क्या दिख रहा है, माइनस बी के सामने, अच्छा यहां पर माइनस साइन था नहीं, गलती से लग गया, चलिए हटा दिया। तो माइनस बी कितना हो गया 3√2, और सी के सामने क्या दिख रहा है 8। तो यानी अब आपका बहुपद क्या होता है, यहां से बी का मान निकाल लेते हैं −3√2, और बहुपद क्या होता है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह 3, बी की जगह माइनस के 3√2 और सी की जगह 8। तो बहुपद क्या हो गया 3x का वर्ग माइनस के 3√2x प्लस 8। ये आपका क्या हो गया दूसरा सवाल हल हो गया। अब चलिए अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो बहुत आसान है इसमें, यानी गुणनफल जो है वो सी अपॉन ए और जो आपका योगफल है माइनस बी अपॉन ए, इन्हीं संबंधों का यूज करना है। अब योगफल क्या दे रखा है 0, तो माइनस बी अपॉन ए दे रखा है 0 और सी अपॉन ए कितना दे रखा है √5। अब तो ठीक है भाई, नीचे से ए का मान यहां भी एक यहां भी एक, दोनों संबंधों के हर एक जैसे कर लेने, या तो एक जैसे हो या फिर बना लो। तो ए का मान आ गया 1, माइनस बी के सामने क्या दिख रहा है 0, तो बी का मान क्या हो गया 0, क्योंकि माइनस का भाग भी लगा देंगे 0 में तो उत्तर 0 ही आएगा। और ए के सामने 1 और सी के सामने क्या दिख रहा है √5। तो क्या होता है बहुपद ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह 1, बी की जगह 0 और सी की जगह √5। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर उत्तर आपका x का वर्ग 0 × x 0, ये आपका हो गया बहुपद। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, चौथे सवाल की तरफ, यानी जो चौथा पार्ट है। देखिए जरा उसमें कितना दे रखा है, योग भी एक एक दे रखा है, यानी माइनस बी अपॉन ए भी एक और गुणनफल भी एक, एक बटे एक, एक बटे एक, दोनों के हर एक जैसे हो गए। तो यही हमें करना होता है, दोनों संबंध में हर एक जैसे करने होते हैं। तो ए का मान आ गया 1, माइनस बी के सामने 1 और सी के सामने 1, तो ए का मान 1, बी का मान −1, सी का मान 1। तो क्या हो गया हमारा दो भाग बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह 1, बी की जगह −1, सी की जगह 1 और गुणांक 1 को तो से लिखते नहीं है। तो उत्तर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये किसका आंसर आ गया चौथे पार्ट का आंसर आ गया। अब चलिए पांचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल आसान है, सब प्रश्न एक जैसे हैं। फिर हम चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ, फिफ्थ। ठीक है, अब की बार जोड़ कितना दे रखा है −1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है 1/4। फिर इत्तेफाक हुआ, हमने देखा कि हमारा हर दोनों संबंध में सेम है। तो ए का मान आ गया 4, माइनस बी के सामने −1 और सी के सामने 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बी का मान 1, सी का मान 1। अब क्या होता है व्यापक रूप द्विघात बहुपद का, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह 4, बी की जगह 1 और सी की जगह 1। और अगर चर के साथ एक है गुणांक तो वो लिखा नहीं जाता। तो उत्तर क्या आ गया 4x² + x + 1, ये आपका हल हो गया पांचवा पार्ट। और अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि जो कि कौन सा है हमारा छठा पार्ट। तो योग कितना दे रखा है आपकी बार −b/4 के बराबर और गुणनफल कितना दे रखा है c/1 के बराबर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 4/1, इसको 1/1। फिर देखा आपने हर तो एक जैसे हो गए, तो ए का मान किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, माइनस बी का मान किसके बराबर आ गया 4 के बराबर और सी का मान किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। अब चलिए आगे देखते हैं, ए हो गया 1, बी हो गया −4 और सी हो गया 1, और व्यापक बहुपद क्या होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह आपने लगा दिया 1, बी की जगह आपने लगा दिया −4 और सी की जगह लगा दिया 1, तो एक्स का वर्ग −4x+1, ये आपका क्या आ गया तो घात बहुपद आ गया। तो
तो ये जो है वो बहुत आसान तरीका है इस प्रश्न को हल करने का। तो मैंने प्रश्नावली 2.2 के आपको सारे सवाल हल करके दिए। आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद इस प्रश्नावली को दोबारा रफ पे फिर सॉल्व करिए।